कैसे हो मेरे माइनक्राफ्ट वाले भाइयों, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में शेडर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना, बिना किसी बकवास के वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं। गाइस, शेडर इंस्टॉल करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। वो ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐप आपको कैसे डाउनलोड करनी है। चलो मिलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। गाइस, आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहाँ पर सर्च बार में जाकर सर्च करना है एड ऑन फॉर माइनक्राफ्ट। आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना और वहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सर्च का, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है HMCK, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये आपको शेडर ओपन कर लेना है। जैसे ही गाइस आप ओपन पर क्लिक करेंगे, आपका माइनक्राफ्ट ओपन होना शुरू हो जाएगा। आपको इसे ओपन होने देना है और बाद में आपको प्ले पर क्लिक करना है। जिस भी वर्ड में आपको शेडर लगाने हैं, उस वर्ड के साइड में जो पेंसिल का आइकन आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको रिसोर्स पैक पर क्लिक करना है। माई पैक्स पर क्लिक करके आपको इसे एक्टिव कर देना है। जो आपने पहले से शेडर लगा रखे हैं उसे डिसएक्टिवेट कर देना है। अब आपको अपना माइनक्राफ्ट वर्ड को प्ले करना है। माइनक्राफ्ट का वर्ड ओपन हो रहा है। काश ये आप लोग देख सकते हैं, हमारे शेडर लग चुके हैं। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।